अभी जब चांद रातों को मेरे छत पर निकलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सभी अपने लहजे में बहुत सारा मोहब्बत दिया और पीछे बैठे तमाम खड़े सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि कभी कभी आप लोग अपना भी हाथ खोल दें ताकि हम सबका हौसला अफजाई हो जाए। तालियां बजाते आप सबके बीच अशद आजमी ऐसे बैठ गए जैसे आके लग रहे उनको नींद आ रहा है, वैसे ये थके हैं 4-10 दिन से ये ऐसे ऐसे। अभी इन्होंने बताया रहा कि हम बहुत कम समय में देखो पहुंच पाऊ नहीं तो कैंसिल मेरा, लेकिन शुक्र है उनका और आप सबकी मोहब्बत ये पहुंच गए। कभी जब चांद रातों को मेरे छत पर निकलता है, चरागों की तरह मेरा हसी रुखसार जलता है। कभी जब चांद रातों को मेरे छत पर निकलता है, कभी जब चांद रातों को मेरे छत पर निकलता है, चरागों की तरह मेरा हसी रुखसार जलता है। न पूछो हुस्न का आलम मेरा उस वक्त है लोगों, न पूछो हुस्न का आलम मेरा उस वक्त है लोगों, जो मुझको देख ले वो रात भर करवट बदलता है। को मेरे छत पर बहुत अच्छा है, चरागों की तरह मेरा हसी रुखसार जलता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। हमारी बहनें तमाम कहे तो उस साइड आप लोग एक बार नजर देख लें और उनके लिए आप सभी तालियां बजा दें तो बहुत वो होगा, जो छत दीवार पे चढ़ के अपनी मोहब्बत का वो कर रही है। सुने अगला पंक्तिया। मैं उसका कत्ल कर दूंगी नजर से इसलिए शायद, क्या कहने वाह। मैं उसका कत्ल कर दूंगी नजर से इसलिए शायद, वो मुझको देखता तो है मगर चुप चुप के चलता है। कभी जब चांद रातों को मेरे छत पर निकलता है, कभी जब चांद रातों को मेरे छत पर निकलता है, चरागों की तरह मेरा हसी रुखसार जलता है। आखिरी पंक्ति आप सबसे जी इनायत की, बहुत अच्छा जगह ले लूंगी, बहुत अच्छा है। सुनिए और बच्चे सुनो मेरे भाई सुनियो। तेरी फुरकत में से जल चुकी है मुंतजिर आंखें, तेरी फुरकत में ऐसे जल चुकी है मुंतजिर आंखें, जहां से जल निकलता था वहां का जल निकलता है। कभी जब चांद रातों बहुत अच्छे क्या कहने पर निकलता है, चरागों की तरह मेरा हसी रुख शार।